अभी बस्तर से होके ही आती है। बिल्कुल सही बात है, जिसके हाथ में सब बस्तर आ गया उसके हाथ में सत्ता रहती है, ये 23 सालों का रिकॉर्ड रहा है। और उसके पहले भी जब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ था तो उस समय भी बस्तर क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का जो वनांचल क्षेत्र है वहां से जिसकी सीटें ज्यादा आती थी उसको सरकार बना करती थी। मुख्य मुद्दा यह है कि सबसे बड़ी बात है कि 2000 सन 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ था वो वोट देने की स्थिति में आ गया है। वो जो वनांचल का वनवासी हमारा आदिवासी भाई बहन है वो अब ट्रेडिशनल सोच नहीं रख रहा है, उसे डेवलपमेंट चाहिए, उसे शिक्षा चाहिए, उसे स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए, उसे तमाम वो रोजगार के ऑप्शंस चाहिए, रोजगार के रास्ते चाहिए जिससे वो एक सुखी जीवन और वो अपने कैरियर को देखते हुए आगे बढ़ पाए। लेकिन विषय ये है कि बस्तर एक जो नक्सलवाद का दंश है उससे उसे भी कई सालों से झेलता आ रहा है और आज 23 साल में भी इसका कोई व्यापक या उचित कोई निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है। आए दिन हम वो नक्सलवादियों द्वारा घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं और इसमें जान माल की बहुत बड़ी हानि हुई है, वो हमारी पुलिस फोर्स हो या वो हमारे राजनेता हो या आम जनता हो, प्रायः ये खबरें हमें सुनने में आती हैं। इस बार का चुनाव मुख्य रूप से इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बस्तर में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको जो जनता है वो किस प्रकार से देख रही है। एक तो जो 15 साल के शासन के बाद